ਬਤੇ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण सवाल का आपने मुझे बोलने का आज्ञा दिया है। मान्यवर, गंगा और हिमालय हमारी संस्कृति की प्रतीक हैं और मान्यवर, इसका इतना बड़ा व्यवसायीकरण किया जा रहा है। एक तो हिमालय कच्चा पहाड़ है, कच्चा पहाड़ में आधा धुन ब्लास्टिंग किया जा रहा है जिससे कि पूरा पहाड़ हिल जाता है। और मान्यवर, इसके हिलने से अभी जो वहाँ पर व्यवसायीकरण हो रहा है, 8 नए बांध, 19 बांध पहले से बने हुए हैं, उसके अलावा 8 नए बांध और बनाए जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा के लिए सड़क चौड़ी की गई है जिसमें 1,00,000 पेड़ काटे गए हैं। और मान्यवर, ये पेड़ ऐसे हैं जो कि दोबारा वहाँ फिर लगाए नहीं जा सकते। पूरा हिमालय में 400 गुना ज़्यादा कार्बन उस ग्लेशियर में जमा हो रहा है जिसके कारण ग्लेशियर इतने बड़े पैमाने पर टूट रहे हैं कि मान्यवर, एक बार तो केदारधाम में त्रासदी हुई जिसमें हजारों लोग मारे गए। अभी ऋषि गंगा में मान्यवर कम से कम 200 लोग मारे गए और आज तक उनका अता पता नहीं लग पाया। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी कार्य हिमालय में हो रहा है उसको तत्काल रोक दिया जाए। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका भी उद्धरण आपको देना चाहता हूँ। और एक आधे मिनट में जो सुषमा स्वराज उस समय तत्कालीन मंत्री नेता विरोधी दल थी लोकसभा में, उनका भी उद्धरण आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मान्यवर, ये कंक्रीट का जो निर्माण हो रहा है ये हिमालय के जलवायु परिवर्तन को भी बहुत प्रभावित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि अकेले 4 धाम यात्रा में लगभग 1,00,000 से ज़्यादा पेड़, बांझ, देवदार, फैल, पदम, ऐसे तोन जैसे अमूल ये पेड़ बस बार बार एक मिनट में ये काट दिए गए हैं। और मान्यवर, ये पेड़ फिर दोबारा लगाए नहीं जा सकते। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पानी का संकट हो रहा है। अभी नीति आयोग